हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। मैं दीप द्विवेदी। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में इंटीग्रेशन के क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, भी बोर्ड में आया हुआ है पहले 2022 में, जो क्या है कि बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले परीक्षाओं के लिए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जनरली IIT स्टैंडर्ड में भी जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इसका रिजल्ट डायरेक्ट भी यूज कर लिया जाता है। देखते हैं कैसे इसको इजी वे में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई होप बच्चों आप सभी लोगों की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे और लगभग हो चुकी होगी, क्योंकि CBSE बोर्ड की जो परीक्षा है उसका एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग 9 मार्च को मैथमेटिक्स का क्या हुआ पेपर है, तो आप लोग क्या अच्छी तरह से तैयारी कर ली होगी। और मेरी प्लेलिस्ट जो मेरे चैनल दीप ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की है उसको भी आप क्या उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड है, इंटीग्रेशन है, ITF है और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के अपलोड है, तो उनको भी जाकर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करें जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांस है। फिलहाल मैं अपने इस क्वेश्चन पर क्या करता हूँ कंटिन्यू करता हूँ। आइए इजी वे में इसको कैसे सॉल्व करना सीखेंगे और फिर आगे क्या करेंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। देखो कैसे इसको सॉल्व करने दिया गया है, क्या दिया गया भैया कि प्रूव दैट इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स ये इंटीग्रैंड है, इक्वल को प्रूव करना है लॉग √2 + 1/√2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के इसके चांस है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों हमको क्या करना है, मतलब इसके इक्वल ही हमको प्रूव करके निकालना है, मतलब इसका इंटीग्रल कर रहे हैं तो ये हमको मिलना चाहिए, प्रूव करना है सवाल में। तो क्या करें, हमने लेफ्ट वाला साइड क्या कर लें, ले लें आई को लेफ्ट कर लिया हमने, तो क्या कर लें लेफ्ट वाला साइड ने ले लिया, उसको आई को क्या कर लिया लेफ्ट कर लिया। ठीक, ये क्या दिया गया 0 to इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। ठीक, अब देखो क्या है कि ये क्वेश्चन जो लोग बहुत से ऑब्जर्व करें इंटीग्रेशन का तो है, बट इंटीग्रेशन में दो पार्ट है बच्चों, इनडेफिनिट और डेफिनिट पढ़ रखा है हम लोगों ने, तो ये किसका है इनडेफिनिट का नहीं डेफिनिट का, क्योंकि लिमिट लगी हुई है इसकी, ये डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन, हमने 60 टाइप की प्रॉपर्टी आप लोग को बताई, उन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करके अब क्वेश्चन को क्या हो इजी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व हम बिना प्रॉपर्टी के भी कर सकते हैं, पर प्रॉपर्टी से हमारा क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो देखते हैं उसी प्रॉपर्टी का क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे। बच्चों हमने बताया था कि जब भी 0 to a जब प्रॉपर्टी लग जाए तो उसके नंबर 4 और 7 दो ही प्रॉपर्टी है, जिसमें जनरली 4th वाली का फर्स्ट नंबर में क्या करते हैं यूज करते ही करते हैं, क्या होती है प्रॉपर्टी लिख देते हैं। P4 क्या है आपने पढ़ रखी होगी, P4 प्रॉपर्टी क्या है, यूजी P4 लिख देंगे। P4 प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि जब इंटीग्रल ऑफ 0 to a f(x) dx इस टाइप में लिखा है तो प्रॉपर्टी का यूज क्या ये करते हैं इंटीग्रल ऑफ 0 to a, और बेटा जो फंक्शन ऑफ x होता है वो x के प्लेस पे हम क्या करते हैं अपर लिमिट से इस x को क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब लिख देते हैं फंक्शन ऑफ किसका a - x dx। ये प्रॉपर्टी नंबर हमारी क्या है 4th है, इसका क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे, तो यूज कर लेते हैं देखते हैं हमको क्या मिलेगा। इसको मान लें इक्वेशन नंबर 1st मान लिया हमने, ठीक, तो यहाँ से बच्चा मिल जाएगा क्या i = 0 to π/2। अब देखो हमको प्रॉपर्टी क्या क्या प्रॉपर्टी ये थी कि जो भी फंक्शन x का था उसमें अपर लिमिट से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों देखो साइन, ठीक, और x के प्लेस क्या लिखोगे π/2 - x लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताओ, अपर लिमिट में से क्या कर दिया अपर लिमिट में से x को क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, और अगर स्क्वायर लगा था तो बाहर स्क्वायर लगा दे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्क्वायर कहाँ चढ़ेगा फंक्शन पे आ जाएगा dx y सब जगह, ऐसा तो नहीं कि x पे खाली यहीं पे अप्लाई, सभी x पे वही चीज अप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों साइन π/2 - x प्लस कॉस ऑफ π/2 - x। ये क्या बेटा एंगल के रूप में, ये क्या एंगल के रूप में एंगल का फॉर्म में। अब देखते हैं क्या मिलेगा हमको फिर, तो यहाँ से बच्चों मिलेगा i = 0 to π/2। अब देखो यहाँ से sin 90 - θ सभी को मालूम होगा, sin π/2 - x क्या होता है cos x
तो यहां से मिल जाएगा कॉस एक्स, और बाहर लगा स्क्वायर तो ये हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। और डिनोमीटर में क्या हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स, तो यहां से क्या मिल जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, क्या हो गया dx। इसको हम क्या कर लें सेकेंड इक्वेशन मान लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकेंड। अगर हम क्या करें इन दोनों को ऐड कर दें, अगर इन दोनों को ऐड कर दें क्या कोई बेनिफिट मिलेगा, जरूर मिलेगा। देखें कोर सब्जेक्ट करें जो कि डिनोमीटर है ऐड डिनोमीटर, एलसीएम सेम हो जाएगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू क्या होती है 1। तो क्या कर लेते हैं हम लोग ऐड कर लेते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐड कर लें तो बच्चों क्या मिलेगा ऐड करने पे अगर ऐड कर लिया तो देखो लेफ्ट वाला लेफ्ट से ऐड होगा आई ओ आई टू आई, ठीक है। राइट वाला ऐड करो ये जीरो टू पाई बाई टू। देखो इसका एलसीएम एक स्टेप डायरेक्ट कर देते हैं, दोनों का क्या जाएगा एलसीएम सेम, या लिख दें क्या, चलो लिख देते हैं नहीं तो कंफ्यूज होंगे कुछ स्टूडेंट, तो यहाँ लिख देते हैं चलो साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको ऐड करना है। अब देखो हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखो चाहे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कोई प्लस में तो आगे पीछे का कोई फर्क होता नहीं, तो इसको क्या लिख दे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ से बच्चों को क्या मिला कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और क्या है यहां से क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को क्या लिख दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक ये हमको मिल गया। अब बाहर भी ये क्या लगा था ना, बाहर अभी तो इंटीग्रल इंटीग्रेशन किया ही नहीं है तो इंटीग्रल मिला ही यहां से, तभी डी एक्स लगा रहेगा एटीटी लगा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखो वही चीजें डायरेक्ट कर देते चाहे तो, यहां से क्या हो जाएगा डिनोमीटर में एलसीएम मिल जाएगा हमको, कितना मिल जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये हो गया बच्चों जीरो टू पाई बाई टू, एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर क्या मिलेगा डिनोमीटर में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और क्या हो गया डी एक्स। बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी तो सबने पढ़ रखी टेंथ स्टैंडर्ड से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहां से क्या है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा 2i इक्वल 0 टू पाई बाई 2, और ये हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और क्या हो गया डी एक्स, ठीक बच्चों इतना मिल गया। अब देखो क्या कर सकते हैं भाई, ये सवाल से यहाँ से हम कहाँ पर आ गए, यहाँ तक तो आ गए, अब इसका क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इसमें सोचें प्रॉपर्टी लगा दें तो अब प्रॉपर्टी कौन सी लगा देंगे भाई, 7 नंबर प्रॉपर्टी ऑड इवन वाली है, उससे कोई हमको बेनिफिट तो मिलेगा नहीं भैया, अब इसका इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। देखो ये इंटीग्रेशन का एक फॉर्म है, आपने पढ़ रखा होगा इनडेफिनिट में भी पढ़ा होगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, या तो यहाँ पर एक तरीका ये कि साइन एक्स कॉस एक्स के वो वाले फार्मूले रख दिए जाए जिसमें टैन होता है, मतलब यहाँ पर साइन एक्स की जगह क्या लिख दें 2 टैन एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 टैन के फॉर्म वाला, और यहाँ पर क्या रखते हैं कॉस एक्स की जगह टैन के फॉर्म वाला फार्मूला में याद होना चाहिए कॉस टू एक्स का, या एंगल हाफ हो जाएगा कौन होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 यहाँ रखते हैं, और नीचे एलसीएम से मिल जाएगा सॉल्व कर लेंगे उससे भी सॉल्व हो जाएगा। बट इसका एक तरीका और भी फॉर्म है, उसको यूज करें आप तो ज्यादा इजी रहेगा, बता देता हूँ। देखो ये फॉर्म आपने पढ़ी होगी साइन एक्स प्लस कॉस जब इस टाइप का फॉर्म है पढ़ा होगा, यहाँ पर क्या पढ़ा होगा ए लिखा है और यहाँ बी लिख दिया, ठीक। इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो बच्चों यहाँ पर ए के प्लेस में हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं r cos थीटा और b के प्लेस पे r sin थीटा, बट व्हाट आर r क्या है यहाँ पर हियर r व्हाट, तो r की वैल्यू बच्चों होती है रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर और प्लस b r यहाँ पर कैसे रखना पड़ेगा जो a हो और b हो दोनों के स्क्वायर करके उसका रूट ले लेते हैं, इसका हम क्या कर सकते हैं यूज कर लेते हैं और यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। बट
आपको इतना सब याद नहीं रखना, हम इसका एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। देखो कैसे, देखो यहाँ पर देखो ए के प्लेस पे तो कुछ है नहीं, मतलब क्या है कोफिशियंट क्या है ए के प्लेस पे, अगर यहाँ ए है तो वन है, बी की जगह पे वन, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर बराबर हमने क्या बताया था रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताया था, ए की जगह वन, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर क्या हो गया, आर की वैल्यू क्या हो गई रूट टू, रूट टू हो गई। बस आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है जो रूट टू हमको मिल गया ठीक, अब इसी रूट टू से क्या कर दो आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, बस और कुछ नहीं, और कुछ याद नहीं रखना हम भाई, क्या है रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया और रूट टू से क्या कर दें डिवाइड, तो वैसे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं बच्चा, अगर ये तो हम डायरेक्ट भी ऐसे कर देते कि रूट टू से मल्टीप्लाई रूट टू से डिवाइड, लेकिन आप लोग कह देते ऐसे कैसे कर दिए रूट टू कहाँ से आ गया भैया, रूट टू ऐसे आ गया ठीक, ये आया कहाँ से वो हमने बता दिया, पूरे सिस्टम है प्रोसेस है एक फॉर्म है इसका यूज कर लेते हैं। अब देखो क्या करें ये बच्चों रूट टू, अब देखो इस वाली जो रूट टू है इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम बाहर कर लेते हैं, इसको हमने क्या कर लिया बाहर कर लिया, अपने भी ये बाहर कर लिया, तो ये देखो है तो डिनोमिनेटर में नीचे आएगा तो वन बाई रूट टू में आएगा ठीक, ये आ गया, ये इसको ऐसे रखते हैं, देखो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई करा, इसका मल्टीप्लाई अंदर करा, यहां से क्या जाएगा वन अपॉन रूट टू साइन एक्स प्लस वन बाई रूट टू कॉस एक्स ठीक, लिख दिए। अच्छा अब क्या कर सकते हैं, देखो अब एक फॉर्म बनाएंगे, ऐसी फॉर्म बनाएंगे, देखो वन बाई रूट टू डी एक्स बाई, देखो वन बाई रूट टू ये साइन एक्स पहले लिखते हैं, ये साइन एक्स को लिख दिया, वन बाई रूट टू की अगर बात करें तो कॉस तो कितने डिग्री की वैल्यू, कॉस तो कितने डिग्री 45 मतलब पाई बाई फोर, तो इसको कॉस पाई बाई फोर लिख सकते हैं बोलो, प्लस यहाँ कॉस एक्स क्वाड्रेटिक लिख दो, कॉस एक्स क्वाड्रेटिक लिख दिए ठीक। अब देखो वन बाई रूट टू साइन में अगर पूछे कितने डिग्री की वैल्यू तो भी सेम रही थी, दोनों की सेम होती है वन बाई रूट टू पाई बाई फोर, क्या लिखते हैं साइन पाई बाई फोर। अब देखो सॉरी ये बन गया, अच्छा ये फॉर्मूला किसका है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्या क्वेश्चन पुट अप हो रहा होगा कि सर ने यहाँ पर कॉस और यहाँ पर साइन ही क्यों बनाया, हो सकता था ऐसा बना देते साइन ए साइन बी, मतलब यहाँ लिख देते साइन एक्स साइन 45 प्लस कॉस कॉस 45, वो भी बना सकते हैं, वहाँ पर बनाएंगे तो किसका फार्मूला बनेगा कॉस, भाई वहाँ क्या बनेगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, वो बन जाएगा कॉस ए माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, यहाँ साइन ए प्लस बी का बनना है वहाँ कॉस ए माइनस बी का बनेगा, कॉस उल्टा चलता प्लस है तो माइनस लगता है ठीक, तो दोनों से ही आंसर सेम आएगा, कोई इसमें टेंशन लेने की बात नहीं कि हमने यहाँ पर क्या कर लिया, मैंने यहाँ पर साइंस का बना दिया आप कॉस का बना ले उसे करना है ऐसा नहीं, आप चाहें तो वो भी बना लें, और एक और भी मेथड बताया था यहाँ पर हमने मैंने क्या कि इन दोनों की वैल्यू टेन के फॉर्म बने रहते उससे भी लग जाएगा, सारे मेथड सही कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो ये जो हमने यहाँ पर ये बना दिया है तो इससे क्या बनेगा क्या मिलेगा हमको, देखो देखो यहां से हमको मिल गया 2i इक्वल 1 बाई रूट टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2, लिमिट लगी रहेगी अभी 0 टू पाई बाई 2 ठीक, और dx y अभी यहां से तो कुछ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फार्मूला साइन ए प्लस बी का, तो ये हो गया बच्चों dx अपान साइन ऑफ ए प्लस बी, बट ए के प्लेस पे क्या आ रहा है एक्स और बी के प्लेस पे पाई बाई फोर, एक्स प्लस पाई बाई फोर ठीक बच्चों, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, अगर आप कॉस में बनाएंगे तो यहां पर क्या बनेगा कॉस से कॉस बी, अगर कॉस 45 क्या लिख देंगे साइन 45 कॉस से कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो वो फार्मूला बनेगा कॉस ए माइनस बी का, क्योंकि कॉस में करें आप प्लस है तो क्या बनता है बीच में माइनस जस्ट अपोजिट
ठीक। तो इस फार्मूला हमने बना लिया, अब इसका इंटीग्रेशन लीजिए। इसको साइन एक्स है, वन बाई साइन एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा न्यूमरेटर में, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज मालूम होगा सभी बच्चों को, क्या होता है बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम लोग, साइन जस्ट ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, वन बाई साइन एक्स कॉस एक्स होता है, एंगल में क्या चल रहा, एक्स प्लस पाई बाई फोर, क्या हो गया डी एक्स। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन क्या करना, बहुत ही आसान है, सभी को मालूम होगा भैया इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस कॉस एक्स का। देखो यहाँ पर हालांकि ये एक्स नहीं आ रहा, एक्स के प्लेस क्या है, एक्स प्लस पाई बाई फोर, तो कोई दिक्कत नहीं, या तो आप टी डालो, नहीं तो इतना क्या करना, टी डालो सीधे इसका क्या, और डेरिवेटिव ले लेना, उसी से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं थोड़ा आगे, तो यहाँ से बच्चों मिल जाएगा टू आई इक्वल वन बाई रूट टू, और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, कॉस एक्स का क्या होता है, सबने पढ़ रहा होगा क्या होता है, लॉग कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स, लॉग ऑफ मॉड में लिखते हैं, लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स मॉड में रहेगा। ठीक है, अब यहां पर हमको क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी, तो लिमिट क्या करनी, अप्लाई करें जीरो टू पाई बाई टू, जीरो टू पाई बाई। बच्चों ये इंटीग्रल तो हमको सबको मालूम होगा कि कॉस एक्स के डायरेक्ट स्पेशल टाइप के केसेस में बताए जाते हैं, तो कॉस एक्स का सबको मालूम होगा क्या होता है, लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स, बट एक्स नहीं है, एक्स के प्लेस पे क्या चल रहा है, एक्स प्लस पाई बाई फोर, तो एक्स के प्लेस में हमको क्या लिखना पड़ेगा, एक्स प्लस पाई बाई फोर, तो यहाँ से को एक्स के प्लेस पे क्या लिख देंगे, एक्स प्लस पाई बाई फोर, क्यों, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में क्या है, एक्स नहीं, एक्स के प्लेस पे क्या है, एक्स प्लस पाई बाई फोर, लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स, और एक्स के प्लेस पे रखना पड़ेगा क्या, एक्स प्लस पाई बाई फोर, तो एक्स प्लस पाई बाई फोर। ठीक, वो सिर्फ क्या था, फार्मूला था बच्चों, अब लिमिट लगा दो, लोअर लिमिट जीरो और अपर लिमिट क्या है, पाई बाई टू। ठीक, तो ये बन गया भैया, इतना हमको मिल गया, लॉग कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स, बट एक्स के प्लेस पे जो है उसको लिख दिया, अब इसका डिफरेंशिएशन जब करूँ उसे डिवाइड नहीं तो बताया था कि डेरिवेटिव निकालेंगे उसको डिवाइड कराते हैं, तो एक्स का वन हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, और डिवाइड करोगे वन से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों अब सवाल हमारा क्या है, 90% सॉल्व हो चुका, बहुत ईजी बच्चा है, क्या सीधे भैया लिमिट अप्लाई कर देनी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि उनको प्रूव करके दिखाना है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, रब करते रहते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, हम रब करते हैं, आगे इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो देखो देखो बच्चों यहां से हमको मिल गया टू आई इक्वल वन बाई रूट टू, टू आई इक्वल वन बाई रूट टू, और क्या है, लॉग मॉड में हमेशा लॉग तो वैसे भी पॉजिटिव के लिए डिफाइन है, आपको पता हो, लॉग को शॉर्ट में कहीं कहीं एल एन लिख देते हैं, कॉस एक्स प्लस पाई बाई फोर और माइनस कॉट एक्स प्लस पाई बाई फोर, और बच्चों हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं जीरो टू पाई बाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, आंसर आ चुका है। देखो टू आई इक्वल हो जाएगा वन बाई रूट टू लॉग, अब देखो अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट क्या है, पाई बाई टू, तो पहले अपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं पूरे में, कॉस वन बाई रूट टू क्या कर देते हैं भाई, वन बाई रूट टू तो बाहर ही जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो वन बाई रूट टू बाहर रखते हैं, और अपर लिमिट पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर माइनस कॉट पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है जीरो, तो जहां जहां एक्स है वहां पर पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, जहां जहां एक्स है वहां लोअर लिमिट, बीच में निकल गया माइनस लॉग
वन बाई रूट टू ने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, बाहर लिख दिया क्योंकि उसमें कोई कॉन्स्टेंट तो लगे ही नहीं लिमिट कॉन्स्टेंट। यहां से क्या होगा देखो, यहां चल गए जीरो प्लस पाई बाई फोर मतलब पाई बाई फोर माइनस जीरो प्लस पाई बाई फोर मतलब पाई बाई फोर, तो कॉट पाई बाई फोर ठीक। और ये हो गया लग गया मोड, ये पूरा ब्रैकेट बंद हो गया ठीक। अपर लिमिट यहाँ अप्लाई कर दे माइनस लोअर लिमिट। अब बच्चों क्या करते हैं, थोड़ी वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ गया। तो ये आ गया टू आई इक्वल वन बाई रूट टू लॉग। अब देखो यहाँ क्या हो गया पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर, तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हो। और सभी को मालूम होगा 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉसेक का, सेक पाई बाई फोर बन जाएगा और नहीं तो आप क्या करना चाहते हो इसको ऐड करके भी आप लिख सकते हैं भाई, या ऐड ना करो तो ज़्यादा बेटर, नहीं तो ऐड करना चाहो तो यहाँ से क्या आ जाएगा टू पाई प्लस पाई कॉसेक थ्री पाई बाई फोर की वैल्यू आ जाएगी। चाहे तो आप ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, और नहीं तो हम तो कहेंगे सीधे क्या लगाओ, सीधे कॉसेक 90 प्लस थीटा लगा लो तो उसके क्या हो जाएगा सेक आ जाएगा। अब देखो कॉसेक ये 90 प्लस थीटा है किस क्वाड्रेंट में, सेकंड सेकंड में क्या होता है ये प्लस होगा तो इस सेक पाई बाई फोर की वैल्यू आ जाएगी ठीक। अब देखो यहां से भी लगा सकते हो माइनस कॉट, कॉट किस में बदलेगा टेन में बदलेगा ठीक। अब पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर तो ये क्या आ जाएगा पाई बाई फोर आ जाएगा ठीक। बट पाई बाई टू प्लस थीटा, अब पाई बाई टू प्लस थीटा तो ये किस क्वाड्रेंट में सेकंड, और सेकंड में क्या हो जाएगा कॉट क्या होता है नेगेटिव आफ्टर स्क्वायर टू कोस चिन्ह के थ्रू, तो यहाँ से क्या जाएगा नेगेटिव तो क्या हो जाएगी प्लस का हो जाएगा ठीक माइनस लॉग। और कॉसेक पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी होती है सबको मालूम होगी भाई, साइन पाई बाई फोर रूट टू ये क्या हो जाएगा वन बाई रूट टू का अपोजिट हो जाएगा भाई, साइन पाई पाई बाई फोर वैल्यू वन बाई रूट टू और वो क्या कॉसेक जस्ट रिवर्स हो जाएगा तो रूट टू और माइनस, और कॉट की कितनी होती कॉट पाई वैल्यू वन आ जाएगी आगे। अब देखो यहां से क्या मिलेगा इनकी भी वैल्यू रख देते हैं, तो देखो sec pi by 4 की वैल्यू को मालूम है, sec pi by 4 की क्या होती है भैया cos pi by 4 1 by root 2, तो ये आ जाएगी कितनी यहां वैल्यू रख देते हैं कितनी आएगी root 2। और देखो tan pi by 4 की वैल्यू, तो tan pi by 4 की सही मालूम 1 होती है, तो ये क्या लिखते हैं यहां से इसकी वैल्यू 1 लिख देते हैं ठीक। एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया है ठीक, तो ये आ गया रूट टू, यहाँ से इसको भी क्या लगा मोड लगा दो ठीक। और ये बिटवीन में क्या है माइनस है ठीक माइनस। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, देखो गॉस से ऑब्जर्व करो तो देखो लॉग एम माइनस लॉग एम बना, ये थोड़ा डिफरेंस हो गया, पास में आप चाहो तो पास में लिख देना, यहाँ लिख देना माइनस ये और लॉग ये, तो लॉग एम माइनस लॉग एम की प्रॉपर्टी लगा दें क्या होती है लॉग एम माइनस लॉग एम लॉग एम बाई एन। तो थोड़ा क्या करते हैं आगे सॉल्व करते हैं क्या मिला हमको यहां से, देखो यहां से लॉग एम माइनस लॉग एम तो टू आई इक्वल हमको बच्चों मिल गया, टू आई इक्वल क्या मिला वन बाई रूट टू, और हमको ब्रैकेट में इन ब्रैकेट क्या मिला लॉग, ये मिला लॉग रूट टू प्लस वन माइनस लॉग रूट टू माइनस वन, यही तो मिला हमको देखो ठीक। लॉग एम माइनस लॉग एन प्रॉपर्टी सभी को मालूम होगी क्या होती है लॉग एम बाई एन, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ एम, एम के प्लेस पे क्या है ये एम बाई एन रूट टू माइनस वन ठीक। ये हाथ तो मिल गया बच्चों, लेकिन हमें तो आई की वैल्यू निकालनी थी क्योंकि सवाल आई के इक्वल थी, बट अगर हमने इसको टू को हटा भी दिया टू रूट टू आ जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है बच्चों कि ये टू हटा दिया तो यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया टू रूट टू हो गया ठीक, आई की वैल्यू मिल गई इस क्वेश्चन के बराबर नहीं लाना था हमको, लेकिन यहाँ पर जो प्रूव करना वो तो आ नहीं रहा। देखो यहाँ पर रूट टू सिर्फ लाना, यहाँ पर ये न्यूमरेटर तो सही है लेकिन इसका क्या जगह इसके कंजुगेट को मल्टीप्लाई किया गया, दैट मीन रैशनलाइज किया गया, थोड़ा रैशनलाइज करना पड़ेगा इसको, तो
तो यहां से मिल गया आई इक्वल वन बाई टू रूट टू लॉग, ये क्या है रूट टू प्लस वन, यहां रूट टू माइनस वन। अगर इसके कॉन्जुगेट दैट मीन्स कॉन्जुगेट मतलब जो साइन होता है उसका जस्ट अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं रूट टू प्लस वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक। क्या कर दिया रूट इसके रूट टू प्लस वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रैशनलाइज कर रहे हैं, इससे कट जाएगा कैंसिल, कोई फर्क पड़ना नहीं, ठीक। तो यहाँ से देखो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से बच्चों मिल जाएगा ये आई इक्वल क्या मिल जाएगा, आई इक्वल वन अपॉन टू रूट टू और लॉग, और क्या मिला और लॉग। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, देखो रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर देखो और डिनोमीटर में देखो क्या बन गया, ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, फार्मूला होता है क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या करेंगे आप रूट टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर लिखोगे, ठीक। देखो रूट टू का स्क्वायर टू और ये वन का स्क्वायर वन, तो टू माइनस वन वन हो गया, तो ये क्या हो गया पूरा पोर्शन कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आ गया आई इक्वल वन बाई टू रूट टू लॉग, और ये क्या आ गया रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक। डिनोमीटर क्या हो गया वन ही हो गया, ठीक, इतना मिल गया। अब देखो एक प्रॉपर्टी और लगेगी लॉग की, यहाँ पर और लग रही है कौन सी, हम जानते हैं लॉग एम टू द पावर यन होता है, तो क्या होता है यन कहाँ जाता है आगे आ जाता है पावर, लॉग एम की पावर एन लॉग एम आता है, ये टू कहाँ आ जाएगा आगे आ जाएगा, टू कहाँ आ जाएगा इस टू को कहाँ लिख सकते हैं आगे आ जाएगा भैया, टू कहाँ आ जाएगा आगे, और ये टू से टू क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो गए। तो देखो बच्चों हमें आई इक्वल मिल नहीं गया क्या, आई इक्वल वन बाई रूट टू लॉग और क्या भी है रूट टू प्लस वन, ठीक। और यही क्या करना था भैया प्रूव करना, देखो लॉग रूट टू प्लस वन बाई रूट टू, ठीक। तो क्या हो गया हमने इजी तरीके से अपने क्वेश्चन को क्या कर लिया सॉल्व कर लिया, कुछ खास है नहीं, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से तैयारी इस क्वेश्चन की हो जाएगी। क्या किया प्रॉपर्टी का यूज किया और थोड़ा सिंप्लीफाई किया, इंटीग्रेशन किया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देखने में टिक्वल है पर है बहुत ही इजी। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो क्या करें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप हमसे जुड़ना चाहें यदि आपने अभी फर्स्ट टाइम विजिट किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्या करें प्रेस कर लें। और बच्चों आप पूरी तैयारी तन्मयता से अपनी करते रहें, और मैं ईश्वर से प्रेयर करता हूं कि आपके बेहतर से बेहतर नंबर आ सकें, सभी को बेस्ट ऑफ लक, ईमानदारी से तैयारी करिए तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप मेरे चैनल पर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को क्या करें प्लेलिस्ट चेक करके उनकी भी प्रॉपर प्रैक्टिस कर लें, और कॉन्फिडेंस के साथ अपने पेपर को क्या करें अपनी कापी लिखें, और सभी क्वेश्चन को टाइम के अकॉर्डिंग ऐसे करें कि समय से पहले आपका सही तरीके से पेपर हो जाए। टाइम मैनेजमेंट का जरूर ध्यान रखें, कोई क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। नौ मार्च को सभी का पेपर अच्छा होगा, आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, सबकी तैयारी बेहतर ही है, बस आप क्या थोड़ा सा रिवीजन कर लें और ज़्यादा टेंशन मत लें, जितना तैयारी कर लिए बस उसी पर फोकस करें। अब ज़्यादा नया पढ़ने के उसमें मत उलझें कि मैं नया पढ़ लूँ, ये देख लूँ वो देख लूँ, तो उससे आप कन्फ्यूज ज़्यादा होंगे और कोई फ़ायदा होगा नहीं। बस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको ही सॉल्व करें, जो पढ़ रखा है बस उसी को रिवीजन करें, नया पढ़ने की कोशिश अब ज़्यादा अब समय नहीं नया पढ़ने के लिए, जो बच्चों की तैयारी बाकी ज़्यादातर लोगों की सारी तैयारी हो ही चुकी होगी। तो ओके बेस्ट ऑफ लक।